यस्य भूमिः प्रान्तरिक्षमुदोदरम् दिवं यश्चक्रे मूलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, गुजरात प्रांतीय सभा के प्रधान एवं सार्वजनिक सभा के उप प्रधान माननीय श्री सुरेश जी अग्रवाल, मंचस्थ सन्यासी विद्वान एवं सभी मंचस्थ महापुरुषों, उपस्थित मातृशक्ति भद्रपुरुष, सर्वप्रथम गुजरात सभा को और उनके सभी सहयोगों को अनेकानेक साधुवाद, जो इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और मैं सोचता हूँ बहुत कम समय में इतनी अच्छी तैयारी की। कार्यक्रम का जो सम्मेलन जो होते हैं, इससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह वर्धन होता है, नई चेतना आती है, अपनी शक्ति का मूल्यांकन भी होता है। महर्षि दयानंद ने भी कहा कि पारिवारिक दैनिक होना चाहिए, साप्ताहिक होना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रम भी होना चाहिए जिससे हमारी अपनी शक्ति का मूल्यांकन हो। आज के इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा चुका, प्रवचन भी हुए, उद्बोधन भी हुए, बहुत सुंदर भजन भी हुए। मैं केवल थोड़ा सा संगठन के संबंध में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। अनेक स्थान पर जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या हो रहा है सार्वजनिक सभा का। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि कुछ लोगों की आदत होती है विवाद करने की, उनको विवाद करने दो। उनको परमात्मा ने उसी प्रकार की बुद्धि दी है और उसी प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका आज से ही वर्षों से रहा है, उनको कार्य करने दो। हमारा लक्ष्य केवल महर्षि दयानंद का जो अधूरा सपना है, जो मिशन का कार्य अभी बाकी है, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल हमारे सामने लक्ष्य है किरणवंतो विश्वम आर्यम का, हम उससे ना भटके। ये विवाद चलते हैं, चलने दो, उसकी चिंता ना करो। आप तो बात ये करो कि आर्य समाज को आगे क्या करना है और उस श्रृंखला में मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निराशा की कोई बात नहीं। विगत 20-25 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए हैं, ये 3-4 वर्षों में जो कार्य हुए, यदि आप उसकी तुलना करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 3-4 वर्षों में इतने कार्य हुए हैं जो विगत 20-25 साल में नहीं हुए। इतने कार्य आर्य समाज के हो रहे हैं। जैसे अभी गुजरात की जो कार्य की जो इतनी समीक्षा हुई, हम लोग आश्चर्य कर रहे थे कि इतने कार्य हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, इतना संगठन यहाँ पर सक्रिय है। संगठन दो प्रकार से हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, कुछ व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होकर लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और होना यह चाहिए कि पूरा संगठन इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे चले। लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर कुछ कुछ व्यक्तियों के प्रयास से जो कार्य हो रहा है, वो दूसरी संस्थाएं और दूसरे अनेक लोग कई बड़ी संख्या में मिलकर भी उतना कार्य नहीं कर सकते। ये हमारी कार्य क्षमता का एक प्रतीक है और हमें यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार के कार्य प्रत्येक प्रदेश में हो रहे हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं वे उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य है कि महर्षि का कार्य अभी बहुत बाकी है। मैंने शिक्षा की अंदर जितनी भी शाखा है वो सब एक सूत्र में किस प्रकार बंधे, ये एक योजना बहुत ही शीघ्र आप और हमारे समक्ष आने वाली है। ये आज समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, हमारे कई कार्य ऐसे हैं, जैसे अभी भाई विनय जी ने बताया कि भजनों शब्दों के लिए एक इस प्रकार से है कि महाविद्यालय प्रारंभ करना है। इसी प्रकार हमारे जो ग्रंथ हैं, महर्षि दयानंद की हम चर्चा करते हैं,
लेकिन महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ही जिन बातों का, जिन दूसरी पुस्तकों का या ग्रंथों का उल्लेख किया है, कोई शायद मेरे ध्यान में नहीं आता, वो सारे एक स्थान पर हम, ऐसा मुझे पूरा ध्यान नहीं हो सकता कहीं हो, लेकिन हमारा जो वैदिक साहित्य है वो कितना बड़ा है, किसी एक स्थान पर उसको हम एकत्रित नहीं कर सकते। इसलिए सार्वशिक सभा ने एक निर्णय लिया कि समस्त वैदिक साहित्य जो है उसको एक स्थान पर एकत्रित करें, और प्रसन्नता ये जितने भी कार्य हैं, ऐसी कई योजनाएं हैं जो अलग अलग प्रांतों को सौंपी जा रही है। कुछ योजनाएं गुजरात प्रांत में रहेंगी, कुछ योजनाएं दिल्ली प्रांत में रहेंगी, कुछ महाराष्ट्र में रहेंगी, ऐसी अनेक प्रांतों में अलग अलग है। तो इस प्रारंभ करने के लिए यह कार्य दिल्ली सभा को दिया गया, और प्रसन्नता होगी कि एक व्यक्ति ने ही 11 लाख रुपए की घोषणा उसी समय कर दी कि इस कार्य को प्रारंभ करो और हम उनके 11 लाख रुपए के क्रेडिट अकाउंट में देता हूं। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने कहा कि वेदों का इतना प्रकाशन होना चाहिए, उसकी संख्या उन्होंने जो बताई कि मैं इतनी मदद करना चाहता हूं, वो कम से कम 50 लाख रुपए से भी अधिक है। उन्होंने कहा इसके लिए मैं पहले वाले आहुति देने को तैयार हूं। आप देख रहे हैं चैनल के, चैनल्स के माध्यम से, और ये दूसरा जो वेबसाइट्स जो है, ये सारे कार्य चल रहे हैं, कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। आवश्यकता है हमें और मजबूत होने की। ये जो सम्मेलन हुआ है ये हमारे आर्यों की शक्ति को और बढ़ाए। यहां से हम जाने के पश्चात इस प्रकार का कुछ संकल्प लेके जाए कि जो कुछ हमने किया वो तो ठीक है, लेकिन आगे भी और करना है। महर्षि का कार्य कोई दूसरा पूरा नहीं करेगा। जैसे भाई धर्मपाल जी बता रहे थे कि सरकार ने बहुत सी चीजें ली, लेकिन जो कार्य मुख्य था, दुनिया के सारे काम तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन वेदों का प्रचार कौन करेगा? और अभी हम उससे संतुष्ट नहीं है। भारत का या संसार का हर व्यक्ति वेदों से परिचित हो चुका है। सबसे प्रमुख काम तो हमारा यह है कि परमात्मा की उस वाणी का अधिक से अधिक हमें प्रचार करना है। दूसरे सारे कार्य हम करें, लेकिन जो हमारे मूल कार्य है उन कार्यों से हम ना भटके। उस कार्य को केवल केवल आर्य समाज कर सकता है। बाकी के दूसरे कार्य तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्य है उस कार्य से भी हमें इधर उधर नहीं होना है। एक बात हो रही थी, आदरणीय सावंत जी ने एक बार नहीं दो बार कहा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि 125 साल के बाद भी महर्षि दयानंद की वो विचारधारा यहां पर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो शाश्वत है वो सनातन है। जितना वेद में सत्यता है उतनी स्वामी दयानंद के द्वारा रचित ग्रंथों में और सत्यार्थ प्रकाश में उतनी ही सत्यता है, और जितनी सत्यता सत्यार्थ प्रकाश में है उतनी ही सत्यता महर्षि दयानंद के जीवन में और उनके विचारों में है। इसलिए वो कोई इसको परिवर्तित नहीं सकता, भले नाम किसी का हो जाए, लेकिन आज नहीं तो कल ही सही, आज नहीं तो कल ही सही मानेगी दुनिया। राह यही, यह महर्षि के विचार है, वो उनके अपने नहीं थे, वो शाश्वत थे, इसे हमेशा रहेंगे। नाम किसी का हो जाए भले, लेकिन विचार तो वो हमेशा रहेंगे। इसलिए 125वां जो हम निर्वाण वर्ष मना रहे हैं, ये हम एक हमारे अपनी लेखा जोखा करने का अवसर है कि 125 वर्ष में हमने क्या किया। बहुत सी बातें जो छूट गई थी उन पर ध्यान है। महर्षि का ये चित्र देख रहे हैं, वो चित्र देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, लोग यही नहीं समझ पाते थे कि स्वामी दयानंद का चित्र है या स्वामी विवेकानंद का चित्र है। इसलिए क्योंकि महर्षि दयानंद के 7 चित्र हैं ओरिजिनल, और फिर अपनी अपनी विचारधारा से लोगों ने और कितनी उसको बढ़ा दी। इसलिए कहा कि इसकी एक रूपता करने के लिए यह स्वामी जी का चित्र है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है एक रूपता के लिए कि हर स्थान पर इसी चित्र का उपयोग करें और महर्षि दयानंद लिखें, ताकि दुनिया के लोग कहीं पर भी देखें, जब हजारों लोग इस चित्र को देखेंगे तो महर्षि दयानंद के बारे में भी लोगों को भ्रांति नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस समय संगठन की आवश्यकता है और मजबूत करने की। जो यहां पर आज जिन लोगों का सम्मान हुआ, निश्चित रूप से महर्षि ने कहा यथा योग्य वर्तना चाहिए। मैं एक थोड़ा सा यहां पर अधिकारी भी बैठे हैं और उपदेशक बंधु भी बैठे हैं, विद्वान भी बैठे हैं, विद्वतम च लिखितम च नैव तुल्य कदाचित, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वतम सर्वत्र पूज्यते।
कभी कभी कुछ कुछ स्थान पर ऐसा हो रहा है कि विद्वान तो नीचे है लेकिन छोटा सा पदाधिकारी अपने आप को उससे बहुत बड़ा होता है। ये बहुत गलत बात है। भले लोगों की जहां पर होना चाहिए, आप पूज्य नाम के अतिक्रम, ये सारी दुनिया की जो गड़बड़ हो रही है वो इसलिए होती है कि कभी कभी अपूज्यों की तो पूजा होती है और जो पूजनीय होते हैं उनकी उपेक्षा होती है। महर्षि दयानंद की उस बात को समझो कि सबका यथा योग्य सत्कार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये विद्वान, ये उपदेशक, ये हमारे इस गति को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग केवल व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक समाज, प्रत्येक सभा, इनको यथा योग्य इनको सत्कार प्रदान करना चाहिए। ये एक महती आवश्यकता है। अंत में केवल मैं इतना ही कह रहा हूं, मैंने सुना था 80 साल के हैं और वो प्रयास को इतना प्रचार करते हैं, तो उनको देख के बैठे बैठे मैंने दो पंक्तियां यहां लिखी, उनको समर्पित कर रहा हूं। कहां बैठे, उधर बैठे चार पीछे, उनको समर्पित कर रहा हूं कि हौसलों की बुलंदी चट्टान को तिनका बनाती है। हौसलों की बुलंदी चट्टान को तिनका बनाती है। घनघोर अंधेरों में गुम हो राहें तो दयानंद की याद आती है। डगमगाते कदम, टूटती हिम्मत को जो देता है सहारा, डगमगाते कदम और टूटी हिम्मत को जो देता है सहारा, ऐसा निराला गुरुवन दयानंद गुरु है हमारा, ऐसा निराला दयानंद गुरु है हमारा। इसलिए हमको इतनी परिस्थितियों में काम करने के आदि हैं, उस गुरु के जीवन से हमें ये प्राप्त करना है। और निरंतर बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, केवल यही है। सार्वजनिक सभा की ओर से इस प्रकार के अनेक कार्य, ऐसी योजनाएं बन रही हैं कि जिसके लिए बहुत विशेष प्रयास नहीं करना है। अभी एक इस प्रकार की योजना भी बनी, मैं थोड़ा सा केवल एक दो मिनट ले रहा हूं कि हम संध्या प्रार्थना का हमारा कोई टाइम निश्चित नहीं। मैंने देखा एक प्रकरण, एक केस में मैंने एक मुसलमान का केस था, उसने कहा कि मैं इस समय तो नमाज पढ़ने गया था। मैंने कहा उसका क्या प्रूफ है? उसने मुझे लाकर एक डायरी दी, वहां के मौलवी साहब से, उसमें यह लिखा था कि सोमवार को 6:29 पर नमाज होगी और मंगलवार को 6:31 पर नमाज होगी और बुधवार को 6:34 पर नमाज होगी। पूरे महीने में कितने बज के कितने मिनट पर नमाज होगी ये उसमें स्पष्ट लिखा, और उसको पूरी दुनिया का मुसलमान मानता है। लेकिन हमारे यहाँ टाइम कभी 7 है, कभी 9 भी है, कभी 10 भी है, कभी 8 भी है। इसलिए इस प्रकार की छोटी से छोटी बात, जिसके लिए कुछ बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना है, लेकिन इस प्रकार की योजना बनाएंगे कि ये 3 माह में आपकी संध्या का समय ये होना चाहिए, इन 3-4 माह में आपकी संध्या का समय ये होना चाहिए। इतनी छोटी से छोटी बात को लेकर आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय बहुत उज्ज्वल है। आपके साथ में युवा टीम जुड़ी हुई है, आपके साथ में भामाशाह के रूप में लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ में विद्वान है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है। अंतिम बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं, दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई गुरुदेव दयानंद सर का व्यक्तित्व नहीं है। दुनिया के जितने भी संगठन हैं वो किसी एक बात को लेकर आगे बढ़े, दुनिया के जितने महापुरुष हैं वो किसी एक बात के कारण समाज में पूजनीय बने, लेकिन आना पड़े इतना अधिक हम कार्य करें इस भावना को लेके, इस संकल्प लेके, यदि हमारे में कुछ कमी थी उस कमी को हम दूर करेंगे और आगे आने वाले समय में महर्षि के सपने को पूरा करने में यथायोग्य हम इसमें लग जाएंगे तो हमारा ये सम्मेलन सफल होगा। निश्चित रूप से सम्मेलन तो सफल होगा, क्योंकि मैं जिस ढंग से यहाँ पर कार्य देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, वो बहुत एक अच्छा शुभ संदेश है आपके पास में। भाई सुरेश जी अग्रवाल से लिखे ऐसे व्यक्ति जो समर्पित है, 24 घंटे इसमें लगे रहते हैं, ऐसे अनेक हैं। तो मैं आप सबको पूर्ण साधुवाद और यहाँ पर आमंत्रित किया हम सबको, इसके लिए भी सभा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।